शुभ प्रभात बच्चों। अध्याचार नीति के दोहे का यह पार्ट टू वीडियो जा रहा है, जो कि दो तीन दोहा छूट गया था, फर्स्ट वीडियो में नहीं जा पाया था। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि रहमन निज मन की विथा मन ही राखो कोई, सुनी अठ लई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। यह रहीमदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखनी चाहिए, यह दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताते हैं तो वह हमारा दुख तो कम नहीं करेगा, बाट न लई हैं कोई, वह हमारा दुख तो कम नहीं करेगा। अर्थात अठ लई हैं, हमारे दुख पे लोग क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो वही कह रहे हैं रहीमदास जी कि हमको अपने दुखों को, यानी हमको का मतलब सभी मनुष्यों को, हम सभी मनुष्यों को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि किसी और को बताने से दुख कम तो नहीं हो जाता, बल्कि लोग उस पर हंसी उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? हंसी उड़ाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमें अपना दुख अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाहीं, गिरधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नहीं। यानी जो बड़ेन को लघु कहें, रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है। यानी जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़े व्यक्ति को छोटा व्यक्ति यानी उसकी हीनता प्रकट करता है, नहीं रहीम घट जाहीं, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपनी ही हीनता को ही प्रदर्शित करता है, अपनी ही हीनता को वह प्रदर्शित करता है, अपनी ही कमजोरी को प्रदर्शित करता है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने से बुरा नहीं होता, क्योंकि जो वास्तव में व्यक्ति अच्छा है वह किसी के कहने पर बुरा नहीं होता। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसकी अच्छाई पर उसकी बड़ाई नहीं कर सकते तो हमें बुराई करने का भी हक नहीं है। तो इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। समय लाभ समलाभ नहीं, समय चूक समचूक, चतुरन चित रहिमन लगी समय चूक की हुक। यानी इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। समय लाभ समलाभ नहीं, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझ पाता है वह समय निकल जाने पर क्या करता है? पछताता है। चतुरन चित रहिमन लगी समय चूक की हुक, यानी और दुखी होता है। चतुरन चित रहिमन लगी, और वह व्यक्ति दुखी होता है तथा सोचता है कि काश हमने समय के महत्व को पहचान लिया होता, समय चूक की हुक, काश हम भी अपने समय को पहचान लिए होते। यानी हुक मीन्स होता है कसक, हुक मीन्स क्या होता है? कसक होता है। यानी पछतावा, अगर हम समय के रहते हुए हम समय को पहचान लिए होते तो काश हम ऐसा आज नहीं होता, काश हम पहले भी पढ़ लिए होते तो आज हम कुछ न कुछ बन गए होते। तो समय के रहते हुए ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हम सभी को संकेत किया है कि हर मनुष्य को समय के रहते हुए क्या करना चाहिए? समझना चाहिए समय को, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अर्थात समय के निकल जाने पर व्यक्ति को पछतावा होता है। बात समझ में आ रही है? तो इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।